हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सर, एकता टेक्निकल कोचिंग की ओर से आप सभी स्टूडेंटगण का हार्दिक स्वागत है हमारे UPPCL 2.0 और एकता टेक्निकल कोचिंग में। आप लोगों के लिए विशेष खुशखबरी है, विद्युत उत्पादन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप लोगों की इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की 56 पोस्ट जैसे कि यहाँ पर दर्शाई गई हैं, आपको दिखा दें, जूम करके दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई हैं 56 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं आप लोगों की, ठीक है। और ये पोस्ट जो हैं आप लोगों की विद्युत से रिलेटेड आई हैं और यांत्रिक जो मैकेनिकल से हैं उन लोगों का जो है 30 पोस्ट आया हुआ है। तो वर्तमान में जो है इस साइड में इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। SC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और यहाँ पर जो है सॉरी जनरल का दिया गया है 56 और OBC का दिया गया है 16 और SC का 24 और 3 दिया गया है मतलब जो है ST का 11 पोस्ट आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इन लोगों के लिए, 6 और 2 ये अन्य पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ये सब पोस्ट की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। तो आप लोग जो है तैयारी में अभी से जुट जाइए, जिनके पास CCC का डिप्लोमा है वो लोग तैयार हो जाइए। 12 तारीख से ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन का जो फॉर्म का जो माध्यम है वो केवल ऑनलाइन होगा और टेक्नीशियन ग्रेड की पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सभी डेट यहाँ पर दी गई है। इसकी जो आयु है आप लोगों की 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और DOEX से सर्टिफिकेट अथवा जो है CCC का जो 80 घंटे का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये चीज़ मांगा गया है। और यहाँ पर जो फीस दी गई है, फीस के बारे में भी चर्चा करते हैं। जो TG2 के लिए जो फीस दी गई है वो मतलब SC और ST के लिए है 826 रुपये, इसके बाद जो है अन्य सभी लोगों के लिए जो है 1180 रुपये दिया गया है। और इसी के साथ आगे जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एग्ज़ाम की ऑनलाइन की जो डेट है, ठीक है, वो डेट दी गई है यहाँ पर, ऑनलाइन की डेट देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की ऑनलाइन की जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है कितनी, 12/7। तो 12 तारीख से ये फॉर्म जो है ऑनलाइन चालू हो जाएंगे और 5/8/2022 को इसकी डेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। और फीस जमा करने की जो तिथि है वो 12/7/2022 से 5/8/2022 दिया गया है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारी कोचिंग में। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है, हो सकता है कि कम से कम 1.5 या 2 महीने के बाद ही इसका परीक्षा होगा। और आप लोग अभी से लग जाइए, यहाँ दोस्तों हिंदी में दिया हुआ है इसका डिटेल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। ये डिटेल दिया गया फॉर्म ऑनलाइन का 12/7/2022 और फॉर्म जो ऑनलाइन का तिथि है वो 12/7/2022 है, आपका है 5/8/2022। फीस जमा करने की डेट यहाँ पर दी गई है और ये नोटिफिकेशन आज ही आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग तैयार हो जाइए और बढ़िया से पढ़ लीजिए UPPCL के लिए। हमारी आप सभी लोगों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग, थैंक यू। शेयर आगे पे प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें। और हम आप लोगों के लिए लाइव वीडियो अब कंटिन्यू 10 तारीख से बनना चालू हो जाएगा और कंटिन्यू आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। इसमें सिलेबस देख लीजिए, जो सिलेबस होता है 150 क्वेश्चन टेक्निकल होता है और 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल का आता है, जैसे कि सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स का पेपर होता है और समय इसमें जो है कितना, 3 आवर का, 3 घंटे का समय रहता है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन टेक्निकल का आता है और उसमें 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल का आएगा। नॉन टेक्निकल में 10 नंबर हिंदी से आएगा, रीजनिंग और GK, ठीक है। हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, GK आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग तैयारी करिए बस बढ़िया तरीके से और निकल जाइए। आप लोगों का, अपने माता पिता का और अपना इस दुनिया में, देश में नाम रोशन करिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़, आप लोगों से बस यही आग्रह है।